पराठे वाली गली हटिया भाई, जरा थोड़ी जगह दियो। ये देखो भाई कितनी भीड़ है यहाँ पर गली के अंदर, पराठे वाली गली है भाई ये। पर जो भटूरे बना रहे हैं भाई, इसको ना भाई फ्राई करते हैं भाई तवे पे, नहीं भाई कड़े के अंदर ना, देसी घी के अंदर फ्राई करते हैं ये। तो तुम्हें सही बताओ ना भाई, मुझे बड़ी टेस्ट ना मतलब इतना खास नहीं लगा, जितना हाइप बना रखी ना पराठे पराठे की, इतना मुझे कुछ खास नहीं लगा था कि एक तरह की कचौड़ी बन जाती है, बड़ी कचौड़ी मान लो एक तरह की है। और भाई ये है नई सड़क, और यहाँ पर ना कि छोले कुलचे वाले बहुत फेमस हैं। ये अभी पत्तल में दे रहे हैं, लेकिन भाई पत्ते पे बनाते हैं ये, जो पत्तल में डाल देना ना। ये कितने की प्लेट पड़ती है? 40 की है, पत्ते 60 रुपए की। छोले ना गीले गीले कर रखे हैं, ग्रेवी सी है, हमारे वहाँ सूखे मिलते हैं यहाँ ऐसे ही होता है। ये है भाई देखो, ये व्यक्ति में कचौड़ी काफी स्पाइसी। ये देखो दौलत की चाट, ये तो ये दोबारा आ गई है अभी, सर्दी कहाँ स्टार्ट हुई है अभी, सर्दी हो गई भाई, 2-4 दिन हुए लगाए हुए। जलेबी देख रहे हो भाई कितनी मोटी मोटी बना रखी है, और किलो का क्या रेट है जलेबी? किलो 600 रुपये। वहीं से आता हूँ लाल किले से भी, मैं वही लाल किले से आया हूँ मेट्रो से। आओ थोड़ा और आगे दिखाऊं भाई, अब आए हैं तो तुम्हें और दिखाता हूं भाई। लो भाई यहाँ से, यहाँ पर जाओगे ना, यहाँ देखो सामने से वो है खिलौने की जो होती है मार्केट पूरी, जरा दिखाऊं तुम्हारे को मैं, जरा आओ वो देखो। यहाँ से स्टार्टिंग करोगे ना, यहाँ से खिलौने की मार्केट है पूरी, अंदर खिलौने की घड़ियों की मतलब बहुत चीज़ें हैं। ये देखो चिड़िया घूम रही है, ये वही गाना देखो। सही है, 50 रुपए की हुई। ये देखो यहाँ पर घड़ियों की भी है, सीसीटीवी कैमरे की भी है। आगे जाओगे ना बहुत अंदर तक मार्केट है। और भाई आप आने की प्लानिंग कर रहे हो तो आप यहाँ आ सकते हो भाई, सजावट का सामान कपड़े वगैरह लेने के लिए बहुत चीज़ है यहाँ पर। जो बच्चों के लिए बम वगैरह लेने हो ना इस तरह के, तो आप आ सकते हो। देखो ये मार्केट ऐसे ही रहती है, मतलब ऐसे ही लगती है मार्केट ये, और आप क्राउड तो यहाँ पर मिलेगा आपको, दिवाली का टाइम आने वाला त्यौहार है। यहाँ से लेफ्ट में जाओगे तो आगे खिलौने की मार्केट है, यहाँ पे भी 10 रुपये देखो, 10 रुपये की आइसक्रीम बेक रही अंकल। यहाँ देखो फॉरनर्स भी आ गए, देखो आपके सामने देखो, देख रहे हो ना, ये फॉरन से आए हुए हैं, काफी लोग मिल जाएंगे आपको ऐसे। और यहाँ से ये कपड़े की स्टार्ट हो गई मार्केट, और ये गली आ रही है ना, इस गली में आपको मिलेगी कैमरे की मार्केट, यहाँ से कैमरे की मार्केट स्टार्ट है। और सीधा आगे जाओगे तो चाइना मलवाई है, जिनका भाई गेवर बहुत फेमस है भाई। भैया शेरवानी, भैया दूल्हे बने दूल्हे आओ भैया। और कुछ आया गाइस, मुझे और कुछ दिखाई देगा तो मैं आपको दिखाऊंगा मैं आगे। बाकी मार्केट तो काफी बड़ी है, दो यहाँ पर से स्टार्ट होती है थोड़ी और खाने पीने की दुकानें। ये एक दुकान है भाई काफी फेमस है अभी, ये देखो ये भैया बैठते हैं, ये देखो ऊपर और नीचे, ये इनकी रेट लिस्ट है। ये ऊपर ये वाले भैया बैठते हैं, एक भैया और नीचे बैठते हैं, वो कचौड़ी बेचते हैं। और ये बाबा ना भाई पैसे एक्सचेंज करते हैं, कटे फटे नोट ना आपके पास, यहाँ पर एक्सचेंज हो जाता है कम रेट पे। उसको फटा पुराना नोट है ना भाई, यहाँ आप आके चेंज करवा सकते हो। और यहीं इसी रोड पर आगे जाओगे तो भाई ओमैक्स के नाम से बहुत बड़ा मॉल खुला है दिल्ली का, तो यहीं चांदनी चौक के अंदर है। जलेबी देख रहे हो भाई कितनी मोटी मोटी बना रखी है भाई साहब, क्या रेट है जलेबी? 120 रुपये। 120 रुपये की 100 ग्राम रबड़ी, 100 ग्राम जलेबी। और किलो का क्या रेट है जलेबी? किलो 600 रुपये। 600 रुपये के जी, काफी मोटी बना रखी है। पराठे वाली गली, और भाई यहाँ पर काफी रश है भाई, यहाँ पर ना ये फेमस है ये भटूरे वाला जो है ना, यहाँ से हटिए भाई जरा थोड़ी जगह दियो। ये देखो भाई
देख रहे हो ऊपर जो भटूरे बना रहे हैं भाई। देखो मैं दिखाऊं तुम्हें खाने पीने की क्या आइटम है यहाँ पे। रेडी कर रखी है जो कुल्लड़ लस्सी है ना, ये भी रेडी कर रखी है। पाव भाजी भी, टिक्की भी है, ब्रेड पकौड़े भी है, डोसा भी है, और ये बहुत फेमस है इनके भटूरे भाई। यहाँ पर भी है, ये भी काफ़ी फेमस है भटूरे वाले। अंदर जितना अंदर जाओगे ना आपको सारी खाने पीने की शॉप मिलेगी और पराठे की दुकानें मिलेंगी सारे में। ये देखो और देखो ये बना रहे भाई चांदनी चौक के फेमस पराठे। देखो ये ऐसे बनते हैं, ये देखो। इसको ना भाई फ्राई करते हैं भाई तवे पे, नहीं भाई कड़े के अंदर ना देसी घी के अंदर फ्राई करते हैं ये। और ये स्टफिंग रखी है मटर की, गाजर की, मतलब बहुत सारी स्टफिंग है भाई। एक तरह की कचौड़ी बन जाती है, बड़ी कचौड़ी मान लो एक तरह की है, और पराठे का नाम दे दिया है। और वो देखो भाई पीछे वो देखो पीछे भाई फोटो लगी हुई है, बहुत बड़े बड़े फेमस स्टार भी आ चुके हैं भाई यहाँ पे। ये देखो बन के रेडी हो गया। अरे घी कौन सा इस्तेमाल करते हैं, घी कौन सा इस्तेमाल करते हैं? मतलब देसी घी। जीवन तो कोई तेल तो होता नहीं, देसी घी होता है। पता नहीं, हम तो घर में बनाते ना, मालूम नहीं है। ये देखो भाई कितनी भीड़ है यहाँ पर गली के अंदर, पराठे वाली गली है भाई ये। देखो ड्रैगन फ्रूट, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ। आओ तो मैं आगे दिखाता हूँ एक बार फेमस दुकान, जो पराठे की बड़ी फेमस दुकान है। मैंने भी खाए थे भाई यहाँ पर, एक अंदर जाके है वो, जब मैं काफ़ी टाइम पहले आया था ना, जब खाया था मैंने यहाँ। ये देखो दौलत की चट, ये तो ये दोबारा आ गई है अभी। सर्दी चालू होता है, सर्दी सर्दी कहाँ स्टार्ट हुई है अभी? सर्दी हो गई, दो चार दिन हुए लगाए। अच्छा अच्छा, दो चार दिन हुए लगाए हुए। ये लगाता हूँ पे बनाई होगी तो नहीं, यहीं पर यहीं पर। हाँ तो भाई ये दौलत की चाट है, ये दौलत की चाट। देखो ये रही एक और फेमस दुकान पराठे वालों की, और देखो रेट लिस्ट लगी हुई है। देखो पराठे के जो रेट है ना, अभी 100 रुपए का पराठा पर पीस, देखो लिखा भी हुआ है। ये भाई गोभी किस रहे देखो यहाँ। एक ये भी दुकान बड़ी फेमस है भाई, ये यहाँ देखो पीछे देखो फोटो लगी हुई है, जो जो लोग यहाँ आके खा चुके हैं ना वो देखो। और ये बना रहे हैं पराठे भाई, सब लोग ऐसे बनाते हैं यहाँ पे फ्राई करके डीप फ्राई में। ये 100 रुपये एक पड़ता है पराठा, साथ में सब्जी वगैरह मिलती होगी। वो देख रहे हो भाई वो स्टार, जो बड़े बड़े स्टार हैं उनकी फोटो लगी हुई है, पॉलिटिशियन लगे हुए हैं, ये लोग आके यहाँ पे खा चुके हैं। आओ थोड़ा और आगे चलते हैं। तो यहाँ खाया था भाई मैंने, इनकी दुकान पर खाया था जब मैं आया था पहले। और भाई तुम्हें सही बताओ ना भाई, मुझे बड़ी टेस्ट ना मतलब इतना खास नहीं लगा, जितना हाइप बना रखी ना पराठे पराठे की, इतना मुझे कुछ खास नहीं लगा था, क्योंकि मैंने डाल लगी वीडियो, अब चेक कर लेने जाके। थोड़ा आगे चलते तुम्हारा एक चीज़ और दिखा रहे हैं मुझे, यहाँ पर कचौड़ी वाले फेमस है। चलो चलो कहाँ पर चले आया यार ये।
ऐसी ऐसी गलियां भाई यहाँ पर, मतलब छोटी छोटी गलियां कहीं से भी निकल रही हैं। ये देखो सजावट का सामान मिल रहा सारा दिवाली पर, देखो सब्जी कितनी बढ़िया बढ़िया है। अंदर भी हैं लहंगे की शॉप, थोड़ा और आगे चलते हैं। यहाँ पर एक ना वो भी है कचौड़ी वाले, जो भाई काफी स्पाइसी कचौड़ी बेचते हैं। चलो चलो लो भाई, ये आ गए दुकान इनकी, ये बिकते में कचौड़ी काफी स्पाइसी। जे भी कचौड़ी वाले देख रहे हो, छोटी छोटी गली में कितना कितना लोड आ रहा है। कितने की ये देखो भाई, 60 रुपीज पर प्लेट है ये। और सब्जी देखो, और ये मिर्चा काट के रखी हुई है। देख रहे हो कितनी छोटी छोटी गलियां हैं, तार कैसे लटकी पड़ी हैं। और भाई ये है नई सड़क, और यहाँ पर ना छोले कुलचे वाले बहुत फेमस हैं। देखो दिखाओ, वहाँ भीड़ भी लग रही है। ये देखो, ये तो भी वहाँ, ये तो ब्रेड वाला चीले वाले हैं भाई, आ गए हैं वो कुलचे वाले। वो लगी भीड़ देखो, वो रही भीड़ तो सारा में लग रही है भाई, मालूम नहीं पड़ रही कहाँ कहाँ लग रही है। ये देखो भाई, ये बनाते हैं छोले कुलचे वही पत्ते पे। ये अभी पत्तल में दे रहे हैं, लेकिन भाई पत्ते पे बनाते हैं। ये देखो पत्तल में डाल देना ना। ये कितने की प्लेट पड़ती है? 40 की है, पत्ते 60 रुपए की। इनके छोले ना थोड़े ग्रेवी वाले हैं। ये नई सड़क, मीठी डाल दो, मीठी मीठी। भाई हो गई रेडी, और भाई ये ना काफी आगे तक गया रोड। यहाँ पर ना कपड़े की मार्केट भी है, और कॉपी किताब जो होते हैं ना उनकी मार्केट भी है। अच्छे से डाल देना भाई सलाद में। ये वाली प्याज तो इसमें लहसुन डाल लिया तुमने? प्याज है, हैं प्याज है। हाँ तो प्याज डाल देना यार, इसमें तो सारा कचुम्बर बना रखा बिल्कुल। प्याज नहीं, गाजर वो होती है। हाँ तो प्याज डाल देना इसमें अलग से। ये पैसा रखना भाई, ये देखो ये छोले ना गीले गीले कर रखे हैं, ग्रेवी सी है। हमारे वहाँ सूखे मिलते हैं, यहाँ ऐसे ही होता है। हमारा तो ये सलाद भी ऐसे नहीं काटते। ये पीली मिर्च, इसमें वो डालते इमली का पानी, अच्छा चटनी है वो। ये 40 रुपए की प्लेट इनकी, इसमें भी नींबू डाल देना ऊपर से। हम तक आइए उठा
हेलो परेड परेड ना परेड में भाई बन के रेडी हो गई है जी। ये है भाई देखो आओ खाते हैं फिर मिलते हैं। तो यहाँ पर ना सीट पूरी फुल हो चुकी है देखो सब लोग बैठे हुए हैं सारी सीट कवर है। मैं भाई आपसे खा के मिलता हूँ पर ऐसे खा लूँ या इसमें प्याज ना सही से नहीं डाली इस भाई ने सारा कचुमर बना रखा है। चलो खा के फिर आपसे मिलते हैं यार। तो गाइस अब मैं फिलहाल घर पर लौट के आ चुका हूँ और चांदनी चौक गया था तो वहाँ पर काफी टाइम बाद गया था तो मैं चलो जो भी था आपको दिखा दो थोड़ा बहुत कैसे क्या मोहल्ला। और भाई भीड़ बहुत है वहाँ पर आप जब भी जाओगे आपको क्राउड रश वहाँ मिलता ही मिलता है। लेकिन अब त्यौहार का टाइम आ रहा तो भाई वहाँ पर ज्यादा ही भीड़ थी तो भाई आप जाने की सोच रहे हो तो भाई जा सकते हो। वहाँ पर बहुत सारी चीजें मतलब कपड़े मतलब हर चीज यहाँ पर टॉयज भी ले लो पटाखे की भाई वहाँ भरमार थी लाइट्स की भरमार थी। यहाँ पर भागीरथ पैलेस जो है ना मार्केट वहाँ पर वो मेन मार्केट है लाइट्स की एलईडी लाइट्स की तो वहाँ पर जाके आप जो भी लाना आपको ला सकते हो। तो इस वीडियो को फिलहाल मैं यही एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई वीडियो को लाइक करना सब्सक्राइब करना और नहीं हो फॉलो कर लेना इंस्टाग्राम पे ठीक है। आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर। बाय।